हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद सविता। आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा बैंगन, जिसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा केजी बैंगन को ले लिया है। अब इसको ऐसे कट करेंगे, नीचे का डंठल जुड़ा रहना चाहिए। धीरे धीरे सारे बैंगन को कट कर लेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए पानी में डालकर छोड़ देंगे। तब तक इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई को गरम करके उसमें जीरा, सौंफ, मेथी और धनिया को डाल देंगे। अब इन सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि इसमें से एक अच्छी खुशबू नहीं निकल रहा है, तब तक इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मूंगफली भी मिलाकर इसको भी भून लेंगे। मसाला 5 मिनट लगता है भूनने में। अब एक मिक्सर जार में इसको रख के इसे पीस लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च मिला देंगे। आधा चम्मच हल्दी मिला देंगे। एक चम्मच नमक मिला देंगे। इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को बैंगन में चम्मच से अच्छे से भर लेंगे। बारी बारी से सारे बैंगन में से ही मसाला भर लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें सारे बैंगन को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। बैंगन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ऐसा कलर आना चाहिए। सारा बैंगन फ्राई हो गया। अब ग्रेवी बनाने के लिए इसमें लाल मिर्च, तेजपत्ता और प्याज डाल देंगे। प्याज को 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज को ब्राउन होने कलर आने तक अच्छे से भूनेंगे। प्याज हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें मसाला मिला देंगे। यहाँ पे मैं आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी आधा चम्मच जीरा और 2 टमाटर का प्यूरी मिला देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे सारे मसाले को। इसमें आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे ताकि कलर अच्छा आए। मसाले को अच्छे से भून लेना है। अब इसमें 1 चम्मच नमक मिला देंगे।
अब जो ड्राई मसाला था उसमें से भी एक चम्मच डाल देंगे, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जब तक कढ़ाई में तेल नहीं छोड़ने लगे इसको अच्छे से भूनना है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। मसाले को अच्छे से पका लेना है। ये देखिए कढ़ाई में तेल छोड़ने लगा, पानी मिला देंगे इसमें। अब इसमें पानी अच्छे से मिला लेना है ताकि बैंगन अच्छे से इसमें आ जाए। मसाले में 5 मिनट तक अच्छे से उबाल आ जाए तब बैंगन को इसमें डाल देंगे। सारे बैंगन को डालने के बाद 5 मिनट तक अच्छे से उबाल आ जाए तब गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारा भरवा बैंगन रेडी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप भी ट्राई करें और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।